लंच ब्रेक तक उन तीनों के मन में विचारों की आंधियां उमड़ रही थी। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, सीमा ने राज को कोई इशारा किया और वो दोनों क्लास से बाहर आ गए। पर वो नहीं जानते थे कि रिया ने वो इशारा देख लिया है और वो भी उनके पीछे पीछे क्लास से बाहर आ गई थी। राज और सीमा कहीं एकांत में गए और बातें करने लगे। रिया भी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। हाँ बताओ सीमा, तुमने कहा था कि तुम जानती हो कि तेजाब से हमला तुम पर किसने करवाया है, बोलो कौन है वो? हाँ राज, पर वो बताने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो? राज प्लीज मुझे यहाँ से, इस शहर से कहीं दूर ले चलो, सीमा एकदम से रोते हुए बोली। अरे सीमा ये तुम क्या बोल रही हो, अचानक ऐसा क्या हो गया? नहीं राज, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, मुझे कहीं ले चलो राज, वरना मैं यही मर जाऊंगी। और सीमा एक पल के लिए रुकी। और क्या? राज के मुंह से अपने आप निकला। और मेरे साथ ही मेरे पेट में पलने वाला तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा, सीमा ने रोते हुए कहा। क्या? मेरा बच्चा? राज एकदम से चौंक कर बोला, जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। उधर जैसे ही रिया ने ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके कानों में ऐसा धमाका हुआ जैसे कहीं बम फट पड़ा हो। राज का बच्चा सीमा के पेट में? उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसे लगा अब राज उसका कभी भी नहीं हो सकता। वो भारी मन से वहां से उठी और क्लास की ओर वापस रवाना हो गई। राज इधर चौंक कर बोला, क्या मेरा बच्चा? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ राज, आई एम प्रेग्नेंट, मैंने कल ही टेस्ट करके देखा है। और तुम जानना चाहते हो ना कि मुझ पर तेजाब का हमला करवाने वाला कौन है? हाँ कौन है? राज के मुंह से निकला। तो सुनो, कान खोलकर अच्छी तरह से सुनो, वो मेरा बाप है, सीमा लगभग चिल्लाते हुए बोली। ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हारे डैडी? राज के चेहरे पर जमाने भर का आश्चर्य था। हाँ मेरे डैडी, उन्होंने ही मुझ पर तेजाब से हमला करवाया है, सीमा रोते हुए बोली। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा है तुम्हारे डैडी तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। राज को उसकी बात पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। नहीं राज, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो प्यार वो दुलार सब दुनिया के लिए दिखावा है, मेरा यकीन करो राज, ये सब मेरे डैडी ने ही करवाया है। और जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी दीदी की मौत भी एक हादसा नहीं थी, उनकी हत्या भी मेरी डैडी ने ही करवाई थी, पर दुनिया के साथ साथ मैंने भी उसे एक दुर्घटना ही समझा था। ये तुम क्या कह रही हो? राज का मुंह इतने सारे राज जानकर खुला का खुला रह गया। पर ये सब तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, उस रात जब तुमने मुझे रिया की बर्थडे पार्टी के बाद मेरे घर पर छोड़ा था, तो कहते हुए सीमा जैसे भूतकाल में वापस पहुंच गई थी। उसके डैडी कह रहे थे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसा करना ही होगा मधुसूदन, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, एक दूसरी आवाज आई। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर तुम्हें अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है तो तुम्हें अपनी बेटी रिया की बलि चढ़ानी ही होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मधुसूदन तड़प कर बोले। प्यार? प्यार तो तुम अपनी बड़ी बेटी पल्लवी से भी बहुत करते थे, पर याद है ना क्या हुआ था? अगर पिछले इलेक्शन के समय तुमने उसकी बलि नहीं दी होती तो तुम्हारी जमानत तक कोई नहीं बचा सकता था, उसके मरने की वजह से ही तुम्हें सहानुभूति के वोट मिले थे और तुम भारी मतों से वो चुनाव जीते थे, और आज उसी की बदौलत तुम इस सरकार में ना मंत्री हो। पर यार मैं उसकी काफी सजा भुगत चुका हूँ, तुम जानते ही हो उस हादसे के बाद मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और मैं आज तक चैन की नींद सो नहीं पाया हूँ, अब रिया ही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है, और तुम कह रहे हो मैं उससे भी? तो क्या हुआ, राजनीति में ना कोई किसी का बाप होता है ना कोई बेटा या बेटी, तुम आज 2G घोटाले में बुरी तरह से फंसे हुए हो, इस हालत में तुम्हारा जीतना तो दूर, तुम्हारी पार्टी से टिकट तक मिलना मुश्किल है, और अगर किसी तरह तुम्हें टिकट मिल भी गया तो तुम्हारी जमानत तक जब्त हो जाए
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब अगर कोई तुम्हें इस हालत में फिर भी बचा सकता है तो वो सिर्फ जनता की सहानुभूति ही है। ये जनता है जनता, इसे इन घोटालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ जाति और धन की राजनीति समझती है। तुम्हारी जाति के वोट तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, पर अगर इसमें सहानुभूति का थोड़ा सा तड़का मिला दिया जाए तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपना राजनीति से करियर खत्म समझो। मुझे तो तुम्हें पार्टी से निकालने का हुक्म पहले ही मिल चुका है। बस राज, बस, उसके आगे सुनने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैं अपने रूम में चली गई थी, सीमा यादों के समुंदर से बाहर आते हुए बोली। राज ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसे बिजली के झटके पर झटके दिए गए हो। कुछ देर तो उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, तुम्हारी सारी बातें सही है सीमा, हो सकता है तुम्हारा ये शक भी सही हो, पर मुझे नहीं लगता कि तेजाब से हमला तुम्हारे डैडी ने करवाया होगा। इससे तो उन्हें सहानुभूति जैसा कोई फायदा नहीं होने वाला था, ये जरूर किसी और का काम है। वो मुझे नहीं पता राज, पर अब मैं उस घर में और नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज राज, हम यहाँ से कहीं और नहीं चल सकते, सीमा उससे गिड़गिड़ाते हुए बोली। प्लीज सीमा, ऐसे रो मत, मुझे कुछ सोचने का टाइम तो दो, मैं तुम्हें कल तक बताता हूँ। आओ अभी तो क्लास में चलते हैं, काफी देर हो गई है और आज तो तुमने लंच भी नहीं किया, कहकर राज ने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर क्लास की ओर चल दिया। उधर रिया सीमा की ये बात सुनकर कि वो राज के बच्चे की माँ बनने वाली है, भारी मन से अपने क्लास में आ गई थी। वो जानती थी कि राज उसका अब कभी नहीं हो सकता। उसका दिल जोर जोर से रोने को कर रहा था, पर वो रो भी नहीं पा रही थी। क्लास में घुसते ही उसे विक्की नजर आया। वो उसके पास गई और उसका गिरेबान पकड़कर एक कोने में ले गई और गुस्से में बोली, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, इससे तो अच्छा है मेरी चूड़ियां पहन लो, इतने दिन हो गए तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, कहीं फट तो नहीं गई तुम्हारी जो यूं शांत होकर बैठे हो। क्या बकती हो, विक्की अपना गिरेबान छुड़ाकर गुस्से में बोला, तुम्हें क्या मालूम कि मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं, क्या कर रहे हो तुम, रिया भी उसी अंदाज में बोली। हो सकता है वो तेजाब वाला हमला तुमने करवाया हो, पर उसका भी नतीजा क्या निकला, कुछ भी तो नहीं। अगर तुम वास्तव में मुझे पाना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास अब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, ध्यान रखना सिर्फ एक हफ्ता, उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जो कुछ करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। चिंता मत करो बेबी, एक हफ्ता तो बहुत है, मैं उससे पहले ही अपना काम कर लूंगा, मैं ऑलरेडी सब प्लान कर चुका हूँ, देखते हैं, कहकर रिया अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। थोड़ी देर बाद राज और सीमा भी क्लास में आ गए। उनके चेहरों से चिंता साफ झलक रही थी। जब राज की नजरें रिया से मिली तो वो उसके पास गया और अपनी नजरें झुकाकर उससे बोला, आई एम सॉरी रिया, वो आगे के शब्द उसके मुंह से ना निकल सके। कुछ ना कहो राज, सुबह तुम्हारी और सीमा की बातें सुनकर और सीमा के साथ हुई घटना के बारे में जानकर मैं सब समझ गई थी। वैसे भी सीमा अभी परेशान है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसका ध्यान रखो, रिया फीके स्वर में बोली। थैंक यू रिया मुझे समझने के लिए, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तुम देखना मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें प्यार करने वाला, राज उसके गले लगकर बोला। जानती हूँ राज, अच्छा अभी तुम सीमा के पास जाओ, वो तुम्हारी ही तरफ देख रही है। उसने ऊपर से तो राज को यह कह दिया, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में कुछ खतरनाक ख्याल उमड़ रहे थे। राज अपनी सीट पर आकर बैठ गया। वो तीनों ऊपर से तो बड़े शांत नजर आ रहे थे, पर अंदर ही अंदर एक तूफान उन तीनों के दिलों में चल रहा था, जो उन तीनों को न जाने कहां पर बहा ले जाने वाला था। दिन गुजर गया, स्कूल की छुट्टी हो गई, सब बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों में घरों की ओर रवाना हो गए थे। आगे की कहानी शो के अगले भाग में, और इसकी जानकारी आसानी से पाने के लिए शो को सब्सक्राइब करना ना भूले। शो को सब्सक्राइब करें।